तिजारा उपखंड क्षेत्र के शाहबाद जीएसएस के कनिष्ठ अभियंता विनीत जोशी ने वकील पुरुषोत्तम सैनी के खिलाफ जीएसएस परिसर से जबरदस्ती ट्रांसफर उठा ले जाने का मामला तिजारा थाने मामला दर्ज करवाया है। मामला सोमवार देर शाम 6 बजे का बताया जा रहा है। इसमें वकील पुरुषोत्तम के द्वारा कुछ लोगों को उकसाकर व एक ट्रैक्टर को बुलाकर उस ट्रैक्टर में जीएसएस परिसर से जबरदस्ती सिंगल फेज 25 केवी के ट्रांसफार्मर को लोड करा करके ले जाने की बात कही गई है। जीएसएस शाहबाद के कनिष्ठ अभियंता विनीत जोशी ने मामला दर्ज करवाते हुए बताया है कि सोमवार को शाम 6 बजे कुछ लोग जीएसएस परिसर में रखे सिंगल फेज 25 केवी के ट्रांसफार्मर को जबरदस्ती उठाकर ले जाने लगे। इसको लेकर कर्मचारियों के द्वारा उनको मना किया गया तो वहां पर वकील पुरुषोत्तम भी आ गए और उसने एक ट्रैक्टर को भी वहां पर बुला लिया और लोगों को उकसाते हुए जबरदस्ती सिंगल फेज 25 केवी के ट्रांसफार्मर को ट्रैक्टर में रखवा दिया और कहने लगा कि मैं तो ऐसे ही जबरदस्ती ट्रांसफार्मर लेकर जाऊंगा, तुम चाहो तो मेरे खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवा देना। इसके बाद भी कर्मचारियों ने ट्रांसफार्मर नहीं ले जाने की बात कही लेकिन लोग नहीं माने और ट्रांसफार्मर को जबरदस्ती ट्रैक्टर में रखकर ले गए। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस विषय पर एडवोकेट पुरुषोत्तम सैनी ने बताया कि यह उनके खिलाफ विधायक संदीप यादव के द्वारा साजिश के तहत मामला दर्ज करवाया गया है, जबकि जीएसएस से ट्रांसफार्मर सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता की सहमति से उठाया गया था। शहर में वार्ड नंबर 9 व 10 में करीब 30 घरों की बस्ती में पिछले 25 दिन से ट्रांसफार्मर जला हुआ था, जिसको काफी शिकायत करने के बाद भी नहीं बदला गया। इस वार्ड में उनकी पत्नी स्वयं पार्षद है और बिजली विभाग के अधिकारियों के कहने के बाद ही वह ट्रांसफार्मर लेने गए थे और ट्रांसफार्मर लेते समय पुराने ट्रांसफार्मरों को स्टोर कीपर सुरेंद्र कुमार के पास जमा करवाया गया है और सहायक अभियंता व कनिष्ठ अभियंता से सारी बात होने के बाद ही ट्रांसफार्मर को वहां से उठाया गया है। इसमें विधायक संदीप यादव के कहने से पूरी साजिश रची गई है और मेरे खिलाफ मामला दर्ज करवाया है, जबकि ट्रांसफार्मर लेते समय करीब 20 से 25 लोग वहां थे। मामले में किसी का भी नाम नहीं दिया गया है, केवल मेरा ही नाम दिया गया है। वहीं बिजली विभाग के कनिष्ठ अभियंता के द्वारा तिजारा थाने में दर्ज कराए गए मामले की निष्पक्ष जांच करने के लिए मंगलवार को एडवोकेट पुरुषोत्तम सैनी के साथ मिलकर कई वकीलों ने तिजारा थानाधिकारी के जरिए एसपी को एक ज्ञापन भी दिया था। ज्ञापन के माध्यम से दर्ज कराए गए मामले में निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई।